सब गरम गरम है ना, तो ये ऐसा हवा से आ रही है सब। कितनी जोरों शोरों से तैयारी चालू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज भाई तुम्हारे पापा बुला रहा है, देख बन बन चुकी है। देख बन क्या होता है, देख बन रही है। हाँ। तो गाइस आज जो है देख बन रही है हमारे यहाँ पर, क्योंकि आज मेरी दादी की बरसी है, नियाज वगैरह कर रहे हैं हम लोग, शाम को दावत है, पूरे गांव की दावत की है हमने, और काफी सारी देग बन रही है, उड़द चावल की, जो कि यहाँ की यूपी की बहुत फेवरेट है। आपको दिखाता हूँ, इतनी सारी देग तैयार हो रही है अभी हमारी। आकिब भाई भी आ गए है और आलिम भी आ गया है, चलो आओ बनवाते हैं यार, उसमें वो चलेगा है ना। अभी कहाँ तक तैयार हो गई उड़द में, आओ देखते हैं ना। गाइज इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, और गाइज देखो ये इतनी सारी देग है वो सब तैयार हो रही है। अबे तेरी क्या हो गया, आग में धुआं चला गया। गाइज आग में धुआं चला गया, इतनी खतरनाक जो है हवा चल रही है, और ये सब एक साथ इतनी सारी देग लगी हुई है ना, सब में आग जल रही है, तो इतनी गर्म गर्म हवा आ रही है और धुआं भी आ रहा है इनका आग में। तो भाई मेरी भी आँख में चला गया, काफी वैसा अजीब सा लग रहा है, और अभी मेरे को डर लग रहा है कि मैं इसको पार कैसे करूं, और बहुत ज्यादा इधर देखो ये सब गरम गरम है ना, तो ये ऐसा हवा से आ रही है सब। तो गाइस कल सुबह 7 बजे कुरान खानी है, फिर शाम को मिलाद लगा, सब सबको आना है। ठीक है गाइस, इसकी बात मान लेना वरना ये नाराज हो जाएगा। और इसका नाम जो है, मतलब नाम तो मुबशिर है, लेकिन ये पूरे गाँव का मामू है, सब इसको मामू मामू बोलते हैं, यहाँ तक कि जो मस्जिद के हमारे मुंशी जी हैं वो भी इसको मामू बोलते हैं। मैंने भी कोशिश की प्याज काटने की, वैसे तो मेरे से काटी नहीं जाती, आंखों में बहुत ज़्यादा झले आती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, पानी आने लगता है, तो मैंने कोशिश की बट फाइनली गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो भाई थोड़ा सा जूस पिया जाएगा। अब देखो हमने ऊपर छत पे जो है वो भी इंतज़ाम किया हुआ है, और नीचे देखो कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, ऊपर से छत से सारी देख तैयार हो रही है, वाह यार बहुत ही शानदार लग रहा है। और नीचे भी इंतज़ाम किया जाएगा, सब टेंट वगैरह लग रहे हैं, नीचे भी कुर्सियाँ वगैरह सेट की जाएंगी। तो फाइनली गाइस हमारे राइस तो हो गए रेडी, अब वो देख से निकाले जा रहे हैं, एक जगह किए जा रहे हैं सारे। गाइस मेरे से बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहली बार किया था, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था, बट मैंने ट्राई किया। और गाइस देखो यहाँ पर नीचे आ गए हम लोग, यहाँ पर भी देखो कुर्सी वगैरह सब सेट की जा रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे, पूरे गांव की दावत है, दैट्स व्हाई। गाइस देखो कितनी जोरों शोरों से तैयारी चालू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं, मेरे से तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता, ये लोग बहुत परफेक्ट कर लेते हैं। गाइस फाइनली हो गई है रात, और ये देखिए कितनी अच्छी रौनक हो रही है रात में भी, और सब खाना खिलाया जा रहा है, बहुत ही मज़ा आया गाइस बहुत ज़्यादा, और उड़द चावल तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। सो गाइस फाइनली आ गए अब हम सुबह में, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, सो सारे ड्रम्स वगैरह, प्लेट्स, बर्तन सब मंगाए थे, देग मंगाई थी, जग वगैरह जो भी सब खाने पीने के बर्तन रहते हैं, और ये वही है जिसमें हम लोग चावल निकाल के डाल रहे थे, और ये देग सब धुल रहा है, देग भी धुल रही है, सब बर्तन अभी धुलेंगे सही होंगे, और फिर इनमें खाना बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देग रखी थी, आपने देखा होगा, सब ऐसा चूल्हे बनाए गए हैं ईंटों के, और इन पर देग रखी जाएगी, और फिर वो देग बनेगी, उड़द चावल हमारे तैयार होंगे, यूपी के फेमस उड़द चावल। सो गाइज अभी देखो नीचे रस्सी फेंकी हमने, और नीचे से तार हम लोग ऊपर खींच रहे हैं, ताकि हम लोग जैसे घर से कनेक्शन जा सके उधर, वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ना, वहाँ पर खाएंगे सब लोग, तो वहाँ पे खिलाना है, तो वहाँ पे कनेक्शन नहीं है, खींच लो, इसलिए हम लोग ये देखो तार हम लोगों ने वहाँ से यहाँ ऊपर खींच रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, ताकि घर से हमारा जनरेटर जब चलेगा ना, तो जनरेटर से वहाँ पे कनेक्शन जा सके। खींच लो, आ गया आ गया। हाँ जी गाइस देखिए फाइनली हमने इतना लंबा तार जो है वो बांध दिया है घर में, यहाँ पर नीचे लाकर हम जनरेटर में यहाँ पर कनेक्शन करेंगे इस तार का, ताकि वहाँ पर लाइट जा सके, लाइट्स वगैरह सब जल जाए, नाइट का प्रोग्राम है, दैट्स व्हाई लाइट्स और वो सब चाहिए रहेगा। फाइनली मैंने अपनी बियर्ड वगैरह भी सेट करा ली थी, ताकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। सो गाइस देखिए सब तैयार हो रहा है, कितना शानदार लग रहा है। सो गाइस फाइनली करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, आई होप आप सब लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।